Hello student, this question is basically from the chapter of two port network. Okay, this question asks in 2011 gate exam in the EC department. Okay, for two marks, and the question is like this: in this circuit shown below, the network n is described by the following Y matrix. Y is equal to here the Y11 is 0.1 and Y12 is minus 0 0.01. C is basically the unit of this. ज बाई uh, इस क्वेश्चन में जस्ट वी टू बाईन ही निकालना है सो आई जस्ट सी दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल सो नाव वी सी दोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ओके जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन में कि मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या निकालना है वी टू बाई वी वन निकालना है सो आई से दिस वी नीड टू कैल्कुलेट दी टू बाई वी वन सो हियर वी है तो देखिए ध्यान सर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन निकालने हो कई बार आप देखेंगे कि वी टू चाहिए होगा कई बार आप इसी तरह का क्वेश्चन आए हुए हैं आपके गेट एग्जाम में जहाँ पे आपको वी टी एच आर टी एच या फिर कई बार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से रिलेट भी करा गया है तो इसका एक बेसिक फंडामेंटल है जिसको आपको ध्यान रखना होगा और ऐसा अगर आप करेंगे तो शायद आंसर आपको बहुत फास्ट मिलेगा इसको करने के दो तरीके होते हैं ठीक है ना एक तरीका तो क्या है हम डायरेक्टली इसको हिट करेंगे दूसरा तरीका ये होगा कि कहीं ना कहीं इसका हम जैसे मेरे को नेटवर्क दिया गया है तो इसके मेरे को वाई पैरामीटर डिफाइंड है तो कई बार हम क्या करते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं सो so, वो थोड़ा सा हेक्टिक तरीका होगा काफ़ी लेंदी भी होगा बट ऑलवेज आई सजेस्ट कि कई बार आप क्या करते हैं जैसे आपको इसके वाई पैरामीटर दिए गए हैं तो आप जस्ट आई रिप्लेस विद इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन एंड दई देन आई रिलेट ऑल दिस थिंग्स जो भी इसमें गिवन है उसको रिलेट करके और आंसर निकाल देते हैं तो दो तरीके हैं लेकिन जो पहला वाला तरीका बताया जैसा कि जिसको इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना तो काफ़ी हद तक वो बहुत हैक्टिक वे है टू कैलकुलेट इट यस एंड जो दूसरा तरीका है वो जस्ट मैं इसको क्या करूंगा इक्वेशन से रिलेट करूंगा और आपका आंसर आ जाएगा तो अभी देखते हैं किस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं मेथड ऐसा नहीं कि इस सर्किट में ही फिट हो रहा है आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए चाहे वो आपका आरटीएच हो वीटीएच हो हमेशा आप क्या करिएगा जो आपका नेटवर्क दिया गया है उसको आप कुछ क्या करिएगा मैथमेटिकल इक्वेशन से रिलेट करिएगा क्योंकि देखिए ध्यान से ऐसा है ना कि अगर आप इसका इक्वेट सर्किट बनाते हैं तो सर्किट बनाने के बाद भी तो आपको इक्वेशन लिखनी होगी तो अगर हम कंफर्टेबली पहले ही इक्वेशन लिख सकते हैं सो वाई वी गो फॉर द सर्किट ड्राइंग इट सर्किट सो जनली वी अवॉइड दिस मेथड ऑलवेज वी पुड दिवॉट डायरेक्ट इक्वेशन अब नाव वी सी दिस यहाँ पे कहीं कही ना कहीं मेरे को अगर आप ध्यान से देखें तो वाई की वैल्यू क्या है हियर पॉइंट वन यानी वाई वन वन दिया है ये वाई वन टू है दिस इज वॉट दिस इज आई से दिस वाई वन वन दिस इज आई से दिस वाई वन टू एंड दिस इज आई से दिस इज वाई टू वन एंड हियर आई से दिस इज वाई टू टू तो ये वैल्यूज मेरे को गिवन है यहाँ पे तो अब आपसे मैं एक बात पूछू यहाँ पे कि विद द हेल्प ऑफ दिस वाई पैरामीटर्स जो भी आपके वाई पैरामीटर गिवन है इन वाई पैरामीटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ आई से दिस वी वन आई वन वी टू आई टू डेफिनेटली वी राइट टू इक्वेशंस सो देखिए ध्यान से अगर एक बार हम इन वाई पैरामीटर की हेल्प से दो इक्वेशंस लिखें सो व्हाट आई राइट एक्चुअली सो आई जस्ट राइट हियर दिस इज यू नो आई वन इज इक्वल टू एज आई नो दाई पैरामीटर इक्वेशन इज आई टू वाई वन वन वी वन वाई वन टू वी टू एंड आई टू इज इक्वल टू आई सेवेशन सो आई सेन वी टू आई टू एकदम ध्यान रखना होगा आपको की जो वी वन है एकदम एच पे लेंगे आई वन है ये वी टू और ये आई टू है सो विद्प ऑफ दिस वाई पैरामीटर आई से दिस की कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं वी राइट द टू मैथमेटिकल इक्वेशन सो नाउ जस्ट टाई टू अंडरस्टैंड आई जस्ट रिप्लेस योर वी वन वन, वी वन टू, वी टू वन एंड वी टू टू. सो व्हाट अबाउट द आई से दिस आई वन. सो देखिए जान से यहाँ पे जो आई वन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सो आई से दिस आई वन इज़ इक्वल टू वी वन वन, वी वन वन कितना है? पॉइंट वन वी वन. ये एस जो है सीमेंट है. दिस इज़ यूनिट टू इक्वेश तो कहीं ना कहीं ये दो इक्वेशन mathematical, uh, इस मैथमेटिकल सर्किट अब देखिए इस सर्किट के बारे में आइडिया तो आपको लगी गया ना कि ये जो सर्किट है ना या, या ये जो नेटवर्क आपका है सॉरी ये जो नेटवर्क आपका है इसको हम मैथमेटिकली इन दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो आई रिप्रेजेंट दिस नेटवर्क विद्प ऑफ दिस मैथमेटिकल

get whatever I need. तो ये जो अप्रोच है विच इज कॉमन टू बेसिकली द नंबर ऑफ क्वेश्चन बट ईयर आई जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कैलकुलेट दिस वी टू आई जस्ट फोकस ऑन वी टू बाई वन सो नो जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द पिक्चर ओके सी दिस जैसे अगर हम आपसे कहें कि यहां पे वी टू कितना होगा तो जाहिर सी बात है आई टू ऐसे फ्लो करी दिस इज आई टू हि सो इट शुड भी प्लस एंड इट शुड भी माइनस हियर तो देखिए ध्यान से आई टू इस तरह से है तो ये प्लस होगा यह माइनस होगा सो इफ आई जस्ट सी वोट अबाउट द वी टू सो वेरी सिंपल वी टू शुड भी इक्वल टू यहां पे जो ड्रॉप होगा वो 100 इंटू आई टू हंड्रेड इंटू आई टू दिस इज हंड्रेड इंटू तो यहां पे जो आपका V2 होगा इट शुड भी

1v2. If I just take here, so it should be what 0.01v2, and here this is minus 0.1v2 is equal to 0.01v1. If I just add both of them, so what happened? So it should be I say 0 0.01, and this is minus 0.1. So if I try to solve it, so what happened? This is उट माइनस वन बाई इलेवन सो दंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस वन बाई इलेवन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं क्या करना है की आपको चाहे इसका ए बी सी डी पैरामीटर दिया हो चाहे आपको इसका Uh, z पैरामीटर दिया हो चाहे आपका इसका y पैरामीटर दिया हो तो ऑलवेज आई रिप्लेस ऑलवेज आई रिप्लेस दिस सर्किट और दिस नेटवर्क विद हेल्प ऑफ दिस टू मैथमेटिकल इक्वेशन तो इन दो मैथमेटिकल इक्वेशन से क्या कर सकते हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वंस आई रिप्लेस इट देन वी सिंपली अप्लाई दी वॉट यूर लाइक के वी एल केशल एंड वी रिलेट वॉट एवर आई नीड तो ये अप्रोच बड़ी बेसिक से कभी भी इसको हम इसके मैथमेटिकल सर्किट से रिप्लेस नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वो फिर क्वेश्चन को बहुत हैक्टिक कर देगा तो होप सो वी अंडरस्टैंड बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड होप सो You will get the an answer of this question. Okay. Uh, thank you for watching this. Okay.